हेलो स्टूडेंट्स एजुकेशन आई टी सेवन डबल जीरो सेवन में आपका स्वागत है तो आज का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश प्रो चैप्टर नंबर थ्री का वी वी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इसे सही से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा तो चलिए देखते हैं पाठ का नाम है ए पिंच ऑफ स्नूप जिसका राइटर है मनोहर मालगौनकर जिनका जन्म उन्नीस सौ तेरह ईस्वी में हुआ था तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक में है मनोहर मलगोनकर इज एन राइटर मनोहर मलगोनकर इज एन राइटर मनोहर मलगोनकर एक कहाँ के लेखक थे ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलियन ऑप्शन बी में है अमेरिकन ऑप्शन सी में है इंडो ऑप्शन डी में है इंडोनेशियन तो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडो चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है नानू काका हैडे नानू काका है नानू काका के पास एक क्या था ऑप्शन ए में है कैट ऑप्शन बी में है डॉग ऑप्शन सी में है टाइगर ऑप्शन डी में है गोट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैट उनके पास एक कैट का बच्चा था यानी किटन था चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर थ्री में है ए पिंच ऑफ स्नोफ इज रिटेन बाय ए पिंच ऑफ स्नोफ इज रिटेन बाय ऑप्शन ए में है मार्टिल्थर किंग ऑप्शन बी में है मनोहर मलगोंकर ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी ऑप्शन डी में सिंगानोया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनोहर मालगोंकर चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर वेयर वाज द ऑथर वेटिंग वेयर वाज द ऑथर वेटिंग लेखक कहाँ इंतजार कर रहे थे मतलब लेखक कहाँ इंतजार कर रहे थे नानू का काका ऑप्शन ए में है रोड ऑप्शन बी में है स्ट्रीट ऑप्शन सी में है हाउस ऑप्शन डी में है प्लेटफॉर्म तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटफॉर्म ऑप्शन नंबर डी प्लेटफॉर्म चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है नानू काका आवाज नानू काका आवाज ऑप्शन ए में है अवधि ब्राह्मीण ऑप्शन बी में है डेकानी ब्राह्मीण ऑप्शन सी में है बंगाली ब्राह्मीण ऑप्शन डी में है भूमिहार ब्राह्मीण तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेकानी ब्राह्मीण चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है नेक्स्ट है द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ फॉज द नरेटर ऑफ ए ए पिंच ऑफ ऑफ विष्ण ऑप्शन ए में है डिप्टी सेक्रेटरी ऑप्शन बी में है अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन ऑप्शन सी में है सेक्रेटरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन डी में है ऑप्शन डी में है डायरेक्टर ऑफ डिपुटेशन तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन चलते हैं नेक्स्ट पे द करेक्टर नानू काका फिगर्स इन द पीस द करेक्टर नानू काका फिगर्स इन द पीस ऑप्शन ए में है ए पिंच ऑफ स्नूफ ऑप्शन बी में है द आर्टिस्ट ऑप्शन सी में है चाइल्ड इज बॉर्न ऑप्शन डी में है अर्थ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ए पिंच ऑफ स्नोफ चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है वाज कमिंग टू विजिट द नाइटर्स फैमिली वाज कमिंग टू विजिट नारायरेटर फैमिली लेखक के परिवार में परिवार से मिलने आ रहा था लेखक के परिवार से कौन मिलने आ रहा था ऑप्शन ए में है राम ऑप्शन बी में है मोहन ऑप्शन सी में है नीकू ऑप्शन डी में है नानू काका तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी नानू काका नैटर के फैमिली से मिलने आ रहा था नानू काका चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है रतिराम वाज द सन ऑफ रतिराम वाज द सन ऑफ ऑप्शन ए में है सोहनलाल रतिराम ऑप्शन बी में है मोहनलाल रतिराम ऑप्शन सी में है देवालाल रतिराम ऑप्शन डी में है हीरालाल रतिराम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोहनलाल रतिराम ऑप्शन नंबर ए चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन ए पिंच ऑफ नू फीजे ए पिंच ऑफ नू फीजे ऑप्शन ए में है शॉर्ट स्टोरी ऑप्शन बी में है नोवेल ऑप्शन सी में है एस ऑप्शन डी में है पोएम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट स्टोरी चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर इलेवन में है ए पिंच ऑफ स्नूफ इज एन फैक्ट ए डिटैलेट कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑप्शन ए में है नानू का ऑप्शन बी में है सोहन लाल ऑप्शन सी में है मोहन लाल ऑप्शन डी में है राजू तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नानू काका तो स्टूडेंट्स इतना रहा चैप्टर नंबर थ्री का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी